अहमदाबाद से लगभग 100 किमी की दूरी पर बसा एक छोटा शहर है आणंद। आणंद देश के दूध की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। अमूल, जो कि देश के सबसे प्रसिद्ध डेयरी है, जिसका निर्माण 1946 में हुआ था। उस दौरान गुजरात में केवल एक ही डेयरी थी, पोलसन डेयरी, जिसकी स्थापना 1930 में हुई थी। पोलसन डेयरी उत्तम श्रेणी के लोगों में बहुत प्रख्यात थी, लेकिन साथ ही वह देशी किसानों के शोषण के लिए भी विख्यात हो गई। राष्ट्रीय नेता श्री सरदार पटेल ने कुछ उत्तेजित किसानों के साथ इसके खिलाफ नॉन कॉपरेशन आंदोलन शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 14 दिसंबर 1946 में अमूल इंडिया की स्थापना हुई। आरंभ में वह बगैर किसी निश्चित वितरित नेटवर्क के, वह केवल दूध एवं उसके अन्य उत्पादों की आपूर्ति करते हैं। इसकी शुरुआत केवल 2 संस्थानों और सिर्फ 247 लीटर दूध के साथ हुई थी। वीसी अमूल ने कई सारे गांवों में सामूहिक रूप से कोऑपरेटिव संस्थानों का निर्माण किया। इन संस्थानों को रोजाना 2 बार गांव वालों से दूध इकट्ठा करना पड़ता था। गांव वालों को उसकी चिकनाई पर वेतन दिया जाता था। पूरी प्रक्रिया में वृद्धि लाने के लिए एवं अनाचार को रोकने के लिए पर्याप्त कदम भी लिए गए थे। इन दूध के डिब्बों को उसी दिन करीबी द्रुत शीतन यूनिट भेज दिया जाता था। कुछ दिनों के लिए इन डिब्बों को भंडार में रखा जाता था, फिर इन्हें नोरोगन के लिए और अंत में कूलिंग एवं पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता था। इन सब के बाद उसे थोक वितरकों को दे दिया जाता था, जो खुदरा विक्रेताओं और फिर अंत में उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिए जाते थे। ये पूरी सप्लाई श्रृंखला डॉ वर्गीज एवं श्री त्रिभुवनदास द्वारा डिजाइन की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1960 के दशक के अंत तक अमूल गुजरात में कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा था। सन 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को कैटल फीड प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आणंद आमंत्रित किया गया था। योजना अनुसार उन्हें उसी दिन वापस लौटना था, किंतु उन्होंने वहां रुककर कोऑपरेटिव की सफलता को जानने का सोचा। उन्होंने डॉक्टर वर्गीज के साथ सभी कोऑपरेटिव का जायजा लिया और उनकी प्रक्रिया से काफी प्रभावित हुए। जहां अमूल किसानों से दूध उद्गम करता था, वहीं वह उनकी आर्थिक अवस्था में भी सुधार ला रहा था। नई दिल्ली पहुंचने के उपरांत उन्होंने डॉक्टर कुरियन से अमूल के प्रतिरूप को पूरे देश में अमल करने के लिए कहा। इसी के परिणाम स्वरूप 1964 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई। इसी समय देश में दूध की मांग से ज्यादा थी। उस समय सबसे बड़ी समस्या धन एकत्र करने की थी। इसके लिए डॉक्टर कुरियन ने वर्ल्ड बैंक को राजी करने की कोशिश की और बिना किसी शर्त के उधार पाना चाहा। जब वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष 1968 में भारत दर्शन पर आए थे, डॉक्टर कुरियन ने कहा था, आप मुझे धन दीजिए और फिर उसके बारे में भूल जाए। कुछ दिन बाद वर्ल्ड बैंक ने उनके ऋण को स्वीकृति दी। यह मदद किसी ऑपरेशन का हिस्सा था, ऑपरेशन फल्ड या दुग्ध क्रांति। ऑपरेशन फल्ड को तत्पश्चात भारत में 3 चरणों में कार्यान्वित किया गया। इसके फलस्वरूप लगभग 0.1 करोड़ कोऑपरेटिव एवं 5 लाख दूध उत्पादक और जुड़ गए थे। इन्हीं संयुक्त प्रयासों के फल के रूप में आज अमूल अपने करीब 5 लाख दुग्ध उत्पादकों, जो कि रोजाना 144,246 डेयरी कोऑपरेटिव संस्थानों में दूध की धारा बहाते हैं। इसी ने आज भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाया है। अमूल संस्कृत के अमूल्य का अपभ्रंश है। अमूल्य का अर्थ है जिसका मूल्य न लगाया जा सके। अमूल ने भारत में श्वेत क्रांति की नींव रखी, जिससे भारत संसार का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। अमूल के प्रमुख उत्पाद हैं दूध, दूध के पाउडर, मक्खन, बटर, घी, चीज, दही, चॉकलेट, श्रीखंड, आइसक्रीम, पनीर, गुलाब जामुन, न्यूट्रामूल आदि। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।